हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने बोगनविलिया प्लांट को समर के लिए कैसे तैयार करें। दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे बोगनविलिया का प्लांट है। ये दोस्तों, मैं से हर साल इसकी जो है रूट प्रूनिंग करता हूँ और मैंने इस साल भी किया है। तो दोस्तों, ये काम आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में कर सकते हैं। मैंने 15 फरवरी को इसमें जो कि इसकी रूट प्रूनिंग की थी। तो ये देखिए, मैंने साइड साइड से आपको निकालना है मिट्टी, मैंने भी ऐसे ही, और इसका जो रूट बॉल है उसको बाहर निकाल लेना है। आपको कुछ जड़ें कट कर लेनी है, उसके बाद फिर आपको रूट बॉल इसमें रख देना है मिट्टी डाल के, और इसमें बढ़िया से आपको सारी जो खादें हैं वो डाल दें आप इसमें, और उसके बाद पानी डाल दें। तो इसमें देखिए, फिर नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो देखिए, मेरे जो बोगनविलिया के प्लांट को, मैंने इसको 15 फरवरी को इसकी रूट प्रूनिंग की थी, और आज देखिए, आज 3 मार्च है। और दोस्तों, ये देखिए, एक इस गमले में मैंने की थी रूट प्रूनिंग, और एक ये गमला है मेरा, ये 10 इंची है, इसमें हमारा बोगनविलिया का प्लांट लगा है, इसकी भी मैंने रूट प्रूनिंग कर दी थी। दोस्तों, रूट प्रूनिंग के फ़ायदे यही हैं कि हमारा जो प्लांट है वो समर के लिए अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और काफ़ी घना प्लांट हो जाएगा। तो और इसकी देखिए, मैंने कटिंग भी कर दी थी, देख सकते हैं आप, और कटिंग मैंने इसकी भी कर दी थी। जितनी आप कटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका प्लांट भी बहुत घना होगा। जितना ज़्यादा घना होगा उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावर आएंगे। तो मेरा ये प्लांट देखिए तैयार हो गया। तो आप भी अपने प्लांटों में ये काम ज़रूर करें। तो ये देखिए, एक कि मैंने एक कटिंग से तैयार किया था, बोगनविलिया का प्लांट है ये। तो इसकी भी मैंने, इसको मैंने इसी गमले में लगा दिया है क्योंकि अभी ये छोटा प्लांट था। तो दोस्तों, आप भी अपने गमले ऐसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।